वेलकम टू ट्राइडेंट हिल्स 360 माउंटेन व्यू 200 एकड़ की टाउनशिप नमस्ते आदाब सत श्री अकाल कैसे आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी होस्ट हूं दोस्त सोनिया। आज आपको बहुत ही अमेजिंग एंड लग्जरी कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर आई हूं। यहां पर आपको 200 एकड़ का जो है प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसका नाम ट्राइडेंट हिल्स के नाम से रहने वाला है। बहुत ही अमेजिंग ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर मैं रेजिडेंशियल एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर आपको लो राइज, हाई राइज, फ्लोर्स, अपार्टमेंट एंड आपको विला, प्लॉट्स, ये सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलने वाली है। आप देख सकते हो इसकी एंट्रेंस ही इतनी लग्जरियस है ना कि क्या ही बताऊँ। तो गाइस लोकेशन की बात करूँ, शिमला कालका हाईवे रोड से डायरेक्टली आपकी ये आपका 1 मिनट के ड्राइव पे आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है। 200 एकड़ का प्रोजेक्ट आ जाता है जो अमरावती सेक्टर 4 के अंडर रहेगा। प्लस मैं बात करूँ सो इस प्रोजेक्ट में वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। लाइक जैसे नियर ही आपका स्कूल आ जाता है, मेन एंट्रेंस पे, अमरावती के मेन एंट्रेंस पे आपको एक मॉल मिल जाता है। प्लस आसपास आप देख सकते हो काफ़ी डेवलप एरिया, फैमिलीज पहले से रह रही हैं। DLF के साथ ही का ये आपका प्रोजेक्ट है। प्लस एक प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चीज़ें, जो भी अमेनिटीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। लाइक डेली नीड की परचेज आप इजीली कर सकते हैं। नियर आपको मार्केट मिल जाती है, कौशल्या डैम के साथ है। इस प्रोजेक्ट में आपको डैम व्यू भी मिल रहा है, हिल व्यू भी मिल रहा है, प्लस आपका जो है रिवर व्यू भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो ऑल ओवर एक बहुत ही अमेजिंग एंड अल्ट्रा लग्जीरियस प्रोजेक्ट है। सो गाइज साथ में इस 200 एकड़ की टाउनशिप का जो है टूर करते हैं। सो चलिए चलते हैं। प्रोजेक्ट के मेन एंट्रेंस पे बताया था कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोमिनेंट आपका जो है रोड मिलने वाला है जो आपके चंडी मंदिर से डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट की तरफ से आता है। सो 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका चंडी मंदिर रहेगा, प्लस आपकी ये प्रोमिनेंट एंट्रेंस आ जाती है। गुरुद्वारे के साथ ही आपका ये रोड है। सो यहाँ पर हमारे गुरुद्वारा साहिब आ जाता है। अब हमारा प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग है वो गुरुद्वारा साहिब से ही हो जाती है। सो देखिए ना कितनी अच्छी बात है कि हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत गुरुद्वारा साहिब जी से हो रही है। एक पॉजिटिविटी के साथ हो रही है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, व्यू इतना प्यारा है, इतनी पॉजिटिव जो है एयर आपको यहाँ पर मिलने वाली है क्योंकि आसपास जो है सारा माउंटेन व्यू है, सारा ग्रीनरी है आपके आसपास। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप एक पॉजिटिव और एक पीसफुल लाइफ जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर आप जी सकते हो। प्लस यहाँ से ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम चलते हैं हमारे रेजिडेंशियल एरिया की तरफ। सो दोस्तों इसी के साथ ही अब हम हमारे लोराइज कॉन्सेप्ट की तरफ आ चुके हैं। सो यहाँ पर हमारा जो है लोराइज कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा S+4 की एलिवेशन के साथ। विद लिफ्ट रहेगा, बेसमेंट से लेकर रूफ टॉप तक आपको लिफ्ट मिल जाएगी। प्लस यहाँ पर आपको बेसमेंट में एक मल्टीपर्पज़ एरिया मिल जाता है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन कर सकते हो। चाहे आप उसको स्टडी रूम बना लो, चाहे आप उसको स्टोर रूम बना सकते हो, थिएटर बनाना है आप थिएटर बना सकते हो, प्लेइंग एरिया बनाना है प्लेइंग एरिया भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। और साथ ही में आपको एक पाउडर रूम भी मिल जाता है। सो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी अपने बेसमेंट को डिज़ाइन करना चाहते हो आप करवा सकते हो। सो गाइस इसी के साथ ही रेजिडेंस के साइज़ की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 545 स्क्वायर यार्ड में आपका रेजिडेंस रहेगा। बोथ साइडेड ओपन है और इसके बैक पे आपका कोई भी हाई राइज प्रोजेक्ट नहीं आएगा। सो बेसिकली आपको जो है पूरा का पूरा 360 माउंटेन व्यू यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं प्लॉट्स की। तो मेरे राइट हैंड पे हमारे 300 गज के प्लॉट्स आ जाएंगे और मेरे लेफ्ट हैंड पे जो है हमें 500 गज के प्लॉट्स भी मिलने वाला है। और उससे थोड़ा सा आगे चलते ही हमारे 1000 गज के प्लॉट भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं जहाँ पर जो है आप कोठी या विलास वगैरह जो है बिल्डअप करवा सकते हो। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको S+4 के साथ आपका रेजिडेंशियल एरिया मिलेगा। सो इसमें आपको जो है स्टिल्ट की पार्किंग मिलने वाली है। स्टिल्ट के पार्किंग की बात करें सो एक फ्लोर के पर्सन को जो है 3 कार की पार्किंग मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक चार्जर यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो है
टू व्हीलर भी जो है इलेक्ट्रॉनिकल रहेगा, कार भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल रहने वाले हैं। सो उन सब के लिए पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकल चार्जर आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं रोड्स की। सो यहाँ पर आपको 80 फीट की वाइड रोड मिल जाती है। इंटरनल रोड की बात करूँ तो 40 फीट की आपको इंटरनल रोड मिलने वाली है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे मेन बात जो है कि इसके सराउंडिंग में किसी भी तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी सेक्टर नहीं आ सकता। ये सेक्टर 4 जो है ये पूरा का पूरा ऐसे 360 माउंटेन व्यू के साथ रहेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आएगा, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क इसके बाद नहीं होने वाला यहाँ पर। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील होगा कि यार मैंने यहाँ पर घर लिया बट ऐसा बोला था, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलने वाला है। जो आप इमेजिन करते हो ना कि यार मैं सोलन, कसौली या शिमला जाके व्यू इन्जॉय करने वाला, वो आप रेगुलर बेसिस पे इस प्रोजेक्ट के अंदर रहकर जो है वो इन्जॉय कर सकते हो। एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर और माउंटेन का व्यू इन्जॉय कर सकते हो रोज डेली अपनी फैमिली के साथ। तो गाइज इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 1.6 एकड़ का अल्ट्रा लग्जीरियस क्लब हाउस मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको 5-स्टार की जो है अमेनिटीज मिल जाएंगी। लाइक आपको इस क्लब हाउस के अंदर बैंक्वेट हॉल, पार्टी लाउंज एरिया, बार एरिया, जिम एरिया, प्लस आपको यहाँ पर जो है इंडोर आउटडोर गेम्स मिल जाएंगे, किड्स प्लेइंग एरिया मिलने वाला है और आपको स्विमिंग पूल इस क्लब हाउस के अंदर मिलने वाला है। अब हम इस क्लब हाउस को कमर्शियल क्लब हाउस क्यों कहते हैं? सो इसको कमर्शियल क्लब हाउस इसे कहते हैं जस्ट बिकॉज इस क्लब हाउस के अंदर जो इस टाउनशिप के अंदर फैमिली रह रही है वो तो इस क्लब हाउस को यूज करेंगी, साथ में बाहर का कोई पर्सन होगा तो वो भी इस क्लब हाउस को जो है यूज कर सकता है, यहाँ की फैसिलिटीज का जो है आनंद ले सकता है। सो गाइज इसी के साथ ही अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो गाइज अब मैं आ चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट की एंडिंग पॉइंट पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत थी वो गुरुद्वारा साहिब जी से हुई थी और इसकी एंडिंग जो है मंदिर से हो रही है। सो पॉजिटिविटी आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर मिलने वाली है। सामने का माउंटेन व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल माउंटेन व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारे बोथ साइड जो है, मेरे दोनों ही साइड आपको 250 से 300 गज की प्लॉटिंग ईजिली मिल जाती है। इधर की साइड आपका कौशल्या डैम आ जाता है, ठीक है, एक बार हम वो भी जरूर देखेंगे। सो उसकी तरफ चलते हैं पहले। सो गाइस इसी के साथ ही अब हम कौशल्या डैम के पास आ चुके हैं। मेरे राइट हैंड पे हमारा कौशल्या डैम आ जाता है, जहाँ से एक लिंक रोड निकल रही है जो आपके इस प्रोजेक्ट को भी कनेक्ट करती है। सो वहाँ से आपके जो उस लिंक रोड से आपके प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी भी आ जाती है, प्लस जो आपके लिंक रोड है वो आपको डायरेक्टली शिमला काइल का हाईवे से जो है कनेक्ट करती है। सो आपकी यहाँ से कनेक्टिविटी भी हाईवे के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजिली आपको मिल जाती है। साथ ही में आप बाउंड्रीज देख रहे हैं, जो ये बाउंड्रीज है यहाँ पर हमारा अपकमिंग जो है प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, कुछ ही वक्त में लॉन्च भी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 250 से 300 गज के जो है प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। सो गाइज अगर आपको प्लॉट से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइज ये देखा आपने हमारा ट्राइडेंट हिल जो 200 एकड़ में बनाया गया है। आई होप आपको ये हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है क्योंकि एक तो ये सबसे ज़्यादा नेचर के करीब है, 360 डिग्री पर आपका पूरा का पूरा जो है माउंटेन व्यू आने वाला है। आप अपनी फैमिली के साथ जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक पीसफुल लाइफ एंजॉय करने वाले हो। आपको एक अच्छे व्यू के लिए या माउंटेन व्यू के लिए आपको शिमला कसौली जैसी जगह जाना नहीं पड़ेगा, आप यहीं पर वो सारी चीज़ें, वो सारी लग्जरी चीज़ें जो है यहाँ पर फील कर सकते हो। सो गाइज अगर आपको प्लॉट, विला, अपार्टमेंट, कोठी या फ्लोर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो दिए गए नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हो, हमारी टीम्स को कांटेक्ट कर सकते हो और जल्द से जल्द जो भी आप अपार्टमेंट या प्लॉट वगैरह लेना चाहते हो आप इजीली इजी पेमेंट प्लान के साथ ले सकते हो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, प्रोजेक्ट कैसा लगा और इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको आपके फ़ोन में मिलते रहे। थैंक यू सो मच।